ओ हेलो, नमस्ते, सात श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप सुनना चाहें। गो वाइल्ड इन इंडिया के इस अध्याय में, इस नए अध्याय में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम आपके लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट लाएं जो आपके आसपास हमेशा मिलता ज़रूर है, बट इसको पहचाना जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता हमारे पे एक बहुत ही फेमस और वेनमस सांप पाया जाता है, जिसका नाम है कॉमन क्रेट। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सांप की जो कि नॉन वेनमस है, जो कि पूरी तरह से विषरहित है और गुस्सैल है, चंचल है, मगर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपने वेनमस कज़न जैसा दिखता है। हम वेनमस कज़न की जब बात करते तो हमारा मतलब है कॉमन क्रेट। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट अंतर समझने योग्य है। समझिएगा तो जिंदा रहिएगा। तो आइए मिलवाते हैं आपको कॉमन वुल्फ स्नेक से। यह है एक कॉमन वुल्फ स्नेक। जरा देखिए कितना शांत है, कितना प्यारा है। यह काफी काफी शर्मीले होते हैं और आमूमन काटना पसंद नहीं करते, मगर छेड़े जाने पर ही बार बार काटते हैं, क्योंकि वेनमस नहीं है तो इसको अपने लिए कुछ तो करना ही होगा। तो ये बार बार काटते हैं, पर यह बहुत शर्मीले जीव है। इस वक्त भी ये अपने आप का सर बार बार दबाए रखने के, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। जब घिर जाते हैं तो बॉल नुमा एक आकृति भी बना लेते हैं अपना सर। अब क्योंकि सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेड, बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एक ऑर्गन है, तो आप उसको बचाने के लिए उसको अपने शरीर के नीचे ले आते हैं। ये इन सांपों की स्ट्रेटेजी है। कई नॉन वेनमस स्नेक्स की तरह इन सांपों की भी एक यही स्ट्रेटेजी है कि ये जीव, ये देखिए जरा इसको, ये इस वक्त कितना शांति से हमारे साथ बैठा हुआ है। फोकस कर देना उस पे। देखिए इसको कितनी शांति से हमारे पास इस वक्त बैठा हुआ है। ये मुंह छुपाया हुआ है, शर्मीला जीव है, मगर जहां पे हम इसको छोड़ने आए हैं वो प्रकृति इसके लिए एकदम अनुकूल है, प्रतिकूल। तो आपको फिर से बता दें, ये वुल्फ स्नेक हमने लगभग शाम को 4:30 बजे, अभी कुछ देर पहले ही इसको रेस्क्यू किया और अभी ये वापस से अपने जंगलों में जाने को एकदम तैयार। बहुत ही शर्मीला है, काट नहीं रहा है, और जरा देखिए कितना शर्मीला जीव है। देखिए जब मैं इसको छू रहा हूँ तो अपने आप को पूरी बॉल की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है। इसने अपना सर गायब कर लिया है, तो अगर कोई भी अटैक होता है तो बैम, इसकी पूंछ पे होगा, इसके बदन पे होगा और इसका सर बच जाएगा। यही इनकी स्ट्रेटेजी भी है, यही इनकी स्ट्रेटेजी है। और देखिए जरा, अब आपको इस सांप से मिलवाते हैं। ये आमूमन एक जुवेनाइल नहीं है, ये इससे थोड़े से बड़े और होते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। देखिए भागने को एकदम तैयार। देखिए, ओह देखिए जरा, गुस्से में है, काटने को तैयार है। ओह देखिए ये बाइट मार रहा है, देखिए बाइट मार रहा है। और तो मिट्टी का इसका रंग है, मिट्टी पर ये आमूमन जब खेतों में होते हैं तो पता नहीं चल पाता है इन सांपों का कि ये देखिए बाइट मार रहा है। अब ये नाराज है हमसे, पूरी तरह से नाराज है। ये देखिए बाइट मार रहा है, शर्मीले जीव। ये मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं होता। जरा देखिए इसको, इसने अपना मुंह किस तरह से छुपा लिया है, जरा देखिए इसको। तो हम आपको बता रहे थे सांप के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये इस वक्त बच्चा नहीं है। इन सांपों का साइज ही लगभग लगभग इतना होता है। ये सांप आपको 1.5-2 फीट से ज्यादा बड़े नहीं मिलते हैं, इनका यही साइज है। और क्योंकि अभी इनका ये समय भी है जब पानी गिर रहा है, इनके मीटिंग का टाइम है, ये सभी सांप बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं। ऐसे में हमें आपसे हमारी आपसे गुजारिश है कि इन सांपों को आप मारिए नहीं, बल्कि किसी अच्छे अपने स्नेक एक्सपर्ट को या किसी भी फॉरेस्ट ऑफिशियल को आप बुलवा कर इन सांपों को वापस रेलोकेट कर सकते हैं, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, बट इन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखिए, इसने मेरी उंगलियों को पूरी तरह से ग्रिप कर लिया है, ज़रा देख रहे हैं आप, और इसने अपना मुंह छुपा रखा है। ज़रा देखिए, इसने मुंह इस तरह से छुपाने की कोशिश कर रहा है जैसे उसकी नज़र ना जाए, और इसने मेरी चारों उंगलियों को अपने ही शरीर पर पूरी तरह से कवर कर लिया है। आज ये ब्यूटीफुल सांप हमारा ब्यूटीफुल वुल्फ स्नेक जाने के लिए तैयार है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना भूल गए जो बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बताया कि ये सांप
अपने एक रिश्तेदार जो कि कॉमन क्रेट के नाम से भी जाना जाता है, और कॉमन क्रेट सबसे वेनमस स्नेक्स है जो अभी हमारे इंडिया में मिलता है, जो सबसे ज़्यादा मौत का अकेला उम्मीदवार है। तो ऐसे में ये बहुत कुछ वैसा दिखता है। तो जब तक आपको इन सांपों के बारे में पूरी नॉलेज ना हो, पूरा कलर कॉम्बिनेशन पता ना हो, ऐसे किसी सांप को ना छुएं जिसमें स्ट्रिप्स है। ज़रा इसके देखिए, मैं चाहूँगा कि आप इसे पास से देखिए। इस सांप में आपको ये ब्राउन कलर का है, वाइट वाइट बीच में स्ट्रिप्स दिख रही हैं, और इसका सर की इसकी आँखें एकदम काली हैं, नीचे से ये वाइट सा है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वुल्फ स्नेक में हमको दो पैटर्न देखने को मिलते हैं। एक ये सिंगल सिंपल सा वुल्फ स्नेक है, और इसमें एक बर्ड वुल्फ स्नेक भी होता है। बर्ड वुल्फ स्नेक की खास बात यह कि वो और भी ज़्यादा क्रेट के करीब लगता है, क्योंकि वो थोड़ा और डार्क कलर में होता है। तो अमूमन कभी ऐसा मौका आया कि हम इन दोनों सांपों को साथ में दिखवा पाए तो ज़रूर दिखाएंगे, आपको ज़रूर बताएंगे कि इन सांपों में अंतर क्या है। मगर आज के लिए सिर्फ इतना ही कि ध्यान रखें खुद का स्वास्थ्य का, खुद का, प्रकृति का, इन सांपों का, और इन्हें मारने से बचाएं। जब तक कि आप इनके बारे में पूर्णतः नहीं जानते हो, ऐसे किसी भी सांप को छूने से बचें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये हमारा ब्यूटीफुल वुल्फ स्नेक वापस से अपने पर्यावरण में जाने को तैयार है। हम जंगलों में हैं, ये जगह इसके आसपास की बहुत ही परफेक्ट है इसके लिए। ज़रा देखिए हमारे पीछे पहाड़ हैं, और हमारे पीछे जस्ट पानी भी बह रहा है। यहाँ पे खाने पीने के लिए काफ़ी जगह बहुतायत में इसको मिलेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा, ये प्यारा सा जीव किसी का खाना नहीं बनेगा। इसी के साथ तुम्हें अलविदा कहते हैं दोस्त। चलो तुम जाने को तैयार हो। तो आज हमारे साथ इस गो वाइल्ड इंडिया के छोटे से चैप्टर में कुछ नए योद्धा और हैं। ये सभी योद्धा यहाँ पे सीखने आए हैं, देखने आए हैं, और चाहते हैं कि प्रकृति बनी रहे, जीवित रहे, बची रहे। इसलिए इन लोगों को यहाँ पे लाकर इनको एक प्रेजेंटेशन देना, इनके सामने फोटोशूट करना या रिलीज करना, ये हमारे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो तान्या को हम पहले भी एक बार कवर कर चुके हैं हमारे एक वीडियो में। तान्या से आप पहले से भी मुखातिब हैं। आप मिशन पॉज करके एक एनजीओ चला रही हैं जो कि स्ट्रेस पे काम करती है। तो आइए तान्या, आपको कैसा लगा ये सांप? बहुत बड़ा और बहुत प्यारा। बड़ा? हाँ, मतलब आप ही ने बताया था कि ये फुल साइज। हाँ, एक्चुअली वुल्फ स्नेक इतने ही बड़े होते हैं, या इससे 2-1 इंच और बड़े हो सकते हैं, बट बेसिकली लगभग इतने ही बड़े। और तान्या, इसकी एक बात और खास है कि ये अपने एक जहरीले रिश्तेदार से बहुत बहुत करीब है। जब आप इसके जहरीले रिश्तेदार को और इसको पास से देखेंगे तो यकीनन आप एक बार को कंफ्यूज हो जाएंगे। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं है, आपको लगेगा कि ये क्रेट है, बट ये क्रेट नहीं है। जरा देखिए इसको कितने पास से, कितने आराम से मेरे हाथ में बैठा हुआ है। आपने ये तो बताया कि ये कौन सा स्नेक है, पर आपने क्रेट के बारे में कुछ नहीं बताया। क्रेट के बारे में हमने ताने आपको अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्रेट को हम आपको दिखाना चाहेंगे। जब भी हम गो वाइल्ड इन इंडिया में कभी क्रेट लाते हैं तो आपको ज़रूर उससे नज़दीक से मिलवाएंगे। इतना नज़दीक से नहीं जितना तान्या इस वक्त है, क्योंकि वो वेनमस होगा, बट फिलहाल नॉन वेनमस है, वुल्फ स्नेक है, और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपने जहरीले रिश्तेदार के काफ़ी करीब है। तो हंसा, आपका क्या कहना है? आपको डर नहीं लगता है सांपों से? आपको डर नहीं लगता? चलिए, इसी के साथ समय है गो वाइल्ड इंडिया के इस चैप्टर की समाप्ति का। इस प्रकृति का वापस अपने रंग में घुल जाना का समय आ चुका है, और आप इसके साक्षी बने। साथ हम सभी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज। तब तक के लिए बाय बाय, आपसे फिर मुलाकात होगी।